Hey dear students, welcome to Practically. आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके करियर से रिलेटेड देखते हैं फ्यूचरिस्टिक करियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी. बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है. सो फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस देखने से पहले देखते हैं करंट ऑप्शंस जो काफी कॉमनली अवेलेबल है. सबसे पॉपुलर जो है आपको बायोलॉजी के फील्ड में वो है मेडिसिन. ठीक है, तो मेडिसिन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा क्रैक नीट. ठीक है, सो जब हम लोग नीट क्रैक करेंगे तो आप लोगों को ये सब ऑप्शंस मिलेगा करने के लिए, जैसे कि हो गया MBBS. ठीक है, फिर हो गया BDS, दैट इज फॉर डेंटल साइंसेज. देर इज फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए भी वी कैन डू, एंड देन देर इज वेटरनरी साइंसेज एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज लेस्ट विद इन सर? या अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप परस्यू कर सकते हैं प्योर साइंसेस और बेसिक साइंसेस लाइक बीएससी, एमएससी. इसमें वी हैव मेनली बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में. दीज आर ऑल रिसर्च ओरिएंटेड करियर ऑप्शंस. अगर आपको PhD करने में इंटरेस्ट है तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स जो है जैसे IIT CHAN या फिर CSIR NET, ऐसे एग्जाम्स क्रैक करके आप इजिली PhD परस्यू कर सकते हैं एंड स्टिल यू कैन बिकम अ डॉक्टर. सो दीज आर ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि करंटली इंडियन गवर्नमेंट काफी इन्वेस्ट कर रहा है फंड में फॉर रिसर्च. देन प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है अगर आप अच्छे से रिसर्च परस्यू करते हैं. सो दिस इज रियली अ ट्रेंडिंग एंड वेरी good career options. You can surely explore if you're interested in research. Okay. Then, और क्या हो सकता है इसमें? Maybe psychology, isn't it? So, the thing is, with psychology, हम लोग कभी-कभी सोचते हैं, psychology is a field of humanities. But, आप लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि psychology is a part of biology as well. ठीक है? So, we can learn about human nature, human behavior, human sciences, and what it does is it opens a door in the field of medicine, because ye jo psychology, psychiatrist, kuch bhi hoga, wo they help us live a better life physically and mentally. Isn't it? Yes, it's really very interesting. And agar aapko interest hai, surely aap iske bare mein aur jaan sakte hain ya fir comment kijiye. We are here to discuss with you all and help you out for find better career option. Aur ab hum dekhte hain तीन ऐसे जॉब ओरिएंटेड करियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी. बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि बायोलॉजी एज अ पैशन इंटरेस्ट ठीक है, बट इसमें शायद बहुत अच्छे जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं है. बट यू आर रॉन्ग, देयर आर सच मेनी सच ऑप्शंस अवेलेबल, एंड फूड साइंटिस्ट इज वन सच. सो यस, सो फूड साइंटिस्ट क्या होता है? इट इज टोटली रिलेटेड टू फूड. ओके, नॉट ओनली सी, हम लोगों को खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन वो खाना उसके बिहाइंड जो साइंस है, किस चीज से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, इसके बारे में कौन जान सकता है? इसके बारे में फूड साइंटिस्ट जान सकता है. ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, इससे बहुत ज्यादा लुक्रेटिव गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है फ्रॉम FSSAI. ठीक है, जो है फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज ISI ऑल्सो, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट. सो इन सब जगहों में आपको गवर्नमेंट जॉब्स में मिल सकता है, प्राइवेट जॉब्स ऑलरेडी ऑफर्ड है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, या एंड सेकंड इन द जॉब ओरिएंटेड करियर ऑप्शंस, we have quality assurance and quality check. Okay, so this is very relative field. Like, and the thing here is QAQC, that is quality assurance and quality control. उसमें क्या होता है, हम लोग तो जो quality है food का, medicines का, किसी भी product का, from quality checking to packaging, हर एक चीज को एक QAQC इंसान ही परख सकता है. तो इसके लिए हर एक फील्ड में, कुछ भी फील्ड ले लो आप किसी भी इंजीनियरिंग, कुछ भी मेडिकल, कुछ भी फील्ड ले लो, एक QAQC इंजीनियर जरूर रहता है. तो उससे आप लोगों को काफी ज्यादा जॉब्स मिल सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, और या एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट जॉब ओरिएंटेड करियर ऑप्शंस में है टीचिंग. सो जैसे हम जानते हैं बायोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारे सब ब्रांचेस है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कोर्सेज ऑफर करते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, वेदर इट इज मेडिकल और बेसिक साइंस. तो अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप श्योरली टीचिंग परस्यू कर सकते हैं. इसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल है टीचिंग में. सो या यू शुड श्योरली लुक आउट फॉर दैट. तो ये थे कुछ यू नो करंट या कॉमनली अवेलेबल करियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी. अब हम देखते हैं फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन जिसका स्कोप काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है. सो बिगिनिंग इन द लिस्ट इज बायोटेक्नोलॉजी. सो जैसे हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग
बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो हमें डे टू डे लाइफ में मेडिकल फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड सब जगह यूजफुल हो सके। और बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस हम करंट सिनेरियो में देख सकते हैं, जिस तरीके से कोविड वैक्सीन बनाया गया था ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ही मिलकर बनाया गया था। सो इंडीड ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है अगर आप फ्यूचरिस्टिक करियर ऑप्शंस के जरिए सोचे तो। ओके और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, क्या कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? हम लोग बायोटेक्नोलॉजी सब कुछ करता है ओके, पर जेनेटिक क्या होता है? जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है, जो प्रोटीन होता है, उसको जो इंजीनियर करता है, उसको जो मैनिपुलेट कर सकता है, वो है जेनेटिक इंजीनियर। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप किसी भी, आप मोस्टली टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशन है तो आप बीटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग से शुरू कर सकते हैं। आपको हर एक जैसे आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ साइंस, किसी भी सेक्टर में आपको इजीली जॉब मिल सकता है। और क्या कर सकते हैं? सो अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, साथ ही में आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, सो इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो वैसे तो ये अंडर इंजीनियरिंग आता है, बट बायोलॉजी नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स यू आउट। जो भी आप हॉस्पिटल्स में जितने भी इक्विपमेंट्स मशीन्स देखते हैं, ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में मशीन्स इक्विपमेंट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जैसी लाइक अलोंग विद डॉक्टर एक टेक्नीशियन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ये भी एक काफी इमर्जिंग ब्रांच है इन द फ्यूचरिस्टिक जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग फील्ड, अगर आपको यू नो थोड़ा सा ऐसा कुछ जॉब्स देख रहे हो जिससे सोसाइटी में बेनिफिट हो सके, वी हैव फॉरेंसिक साइंस, इजंट इट? या सो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिन लोगों को सोसाइटी की, जैसे अपना देश का बहुत ज्यादा कुछ करना होता है, पर उन लोगों को बायोलॉजी का भी बहुत शौक होता है, उसके लिए हम लोग बन सकते हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट। सो ये बहुत सिंपल है, आप बीएससी फोरेंसिक साइंसेस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को कैसे, वो क्या करते हैं, वो लोग एनालाइज करते हैं क्राइम सैंपल्स, रिलेटेड सैंपल्स एनालाइज करते हैं, जो इन्फरेंस निकलता है उससे हम लोग क्राइम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डिटेक्टिव के जैसा भी फील कर सकते हो, बायोलॉजी भी आ सकता है इसमें, और क्या कर सकते हैं? जैसे हम जानते हैं कि जितने भी फील्ड्स हैं, या आप रिसर्च भी करें या कुछ मेडिकल फील्ड भी देखें, तो काफी डेटा जनरेट होता है उसमें, और इस डेटा को एनालाइज करने के लिए वी यूज सॉफ्टवेयर्स। सो बायोलॉजी की फील्ड का सबसे एडवांस और इमर्जिंग स्टडी एंड करियर ऑप्शन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो की है कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड अलॉन्ग विद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड जिसे बोलते हैं। सो आईटी फील्ड तो काफी बूम हो रहा है, हमने देखा ही है। सो ये जब ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर का नॉलेज हम बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस है, बायोलॉजी की रिसर्च स्टडी में यूज करते हैं, उसे कहा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें हम ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो जिसमें बायोलॉजी का नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होता है, और ये काफी इमर्जिंग फील्ड है, लाइक मेडिकल से लेके रिसर्च से लेके हर जगह बायो इन्फॉर्मेटिक सॉफ्टवेयर या डेटा या पर्सन हु नोज अबाउट दिस इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपको इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, देन आप श्योरली परस्यू कर सकते हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डिग्रीज भी अवेलेबल है इन इंडिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव समथिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एंड दैट इज एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। सो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट क्या है? हम लोग किसी भी एक बायोलॉजी का करियर लिए, मे बी इंजीनियरिंग, बीटेक, बायोटेक, या फिर बीएससी बायोटेक, कुछ भी करके हम लोग मास्टर्स कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा, एक फुल फ्लेज्ड नॉलेज मिल जाएगा, वो कर सकते, उससे आप बन सकते हैं एनवायरमेंट साइंटिस्ट। एनवायरमेंट साइंटिस्ट आज के जमाने में हम लोग पोल्यूटेंट से जूझ रहे हैं, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग है, इतना सब कुछ है, इसको सॉल्व करने के लिए कोई तो चाहिए, है ना, तो आप क्यों नहीं एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बन जाते? उससे क्या होगा, आपको एक प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर्स, हर एक फील्ड का आपके लिए नॉलेज होगा। पोल्यूटेंट्स भी हम लोग ये कर सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, इजंट इट? सो स्मिथन सर, व्हाट डू यू थिंक? या बहुत लाइक एट द एंड ऑफ सीइंग ऑल दिस करियर ऑप्शन, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर योर इंटरेस्ट। इनमें से काफी सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे जो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि इसमें तो स्कोप नहीं है, या फिर यू नो गो फॉर समथिंग जिसमें आप डायरेक्ट जॉब मिल सके। बट मेरा ऐसा मानना है अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको परस्यू करने है, श्योरली गो फॉर इट, और आपको यू कैन गेट गुड रिटर्न्स आल्सो, चाहे वो सैलरी या जॉब के टर्म्स में है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो जस्ट परस्यू योर इंटरेस्ट, और बाकी इस तरीके से आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, वी आर प्रैक्टिकली आर श्योरली देयर टू हेल्प यू आउट। यू कैन कमेंट हियर और यू कैन गेट इन टच विद अस, एज वी आर गोइंग टू कम विद मोर सच करियर गाइडेंस सीरीज। सो डू सब्सक्राइब टू आवर प्रैक्टिकली चैनल, एंड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, डाउनलोड अ प्रैक्टिकली ऐप एंड रजिस्टर टू स्टार्ट अ फ्री चैनल। लेट्स ब्रिंग लर्निंग अलाइव। थैंक यू। ब्रिंग लर्निंग अलाइव।
practically.